शिकर दोपहर गर्मी का मौसम अरब का सहरा तनहा मस्तूर मैं गल करदा आम वह जवाब दें दी कुरान की आयत पढ़ के आता मैंने ये डर नहीं कुरान की आयत पढ़ दी मैं डरे लग गए 6666 चो चुन के आयत वह पढ़ दी जिदे च मेरे सवाल का जवाब है। मेहरबानी भाई आदे सिर्फ हाफिजा नहीं आलिमा भी है इस कुरान रटे या नहीं एक कुरान नू समझ दी है मतलब मफाहीम तर्जमा जान दी है ता चुन के पढ़ दी आदे मैं डर गया कली मस्तूर है अरब का माहौल कजाक डाकू लुटेरिया का मौसम ये तन तन हा मस्तूर ते पढ़ दी कुरान ते शिकर दोपहर है कली आदे मैं डरदे डरदे पुछे खुदा करे जुमले दे बाद सारे माफी जमीर मेरा समझ आदे मैं डरदे डरदे नाका ते बैठ के पुछे अंते मिनल जिन्ने अविल इंस बीबी तुसी जिन्नो या इंसान हो। मैं सदके हुआ दोपहर का वेल है गर्मी का मौसम है अरब का सहरा है तनहा मस्तूर है पढ़ती कुरान आदे मैं डर के पुछे जिन्नो या इंसान हो आदे मैं चौथा सवाल पूछे तो फिर कुरान की आयत पढ़ी मेरे अलवे के कुरान की आयत पढ़ के दी या बनी आदमा खुजू ज़ीनतकुम ए औलाद आदम अपनी जीनत बरकरार रखो बनी आदम वाली आयत पढ़ के दस घबरा नहीं मैं औलाद आदम में जिन्नात चु नहीं मैं अदे बनी आदम वाली आयत सुन के हूँ मैं मुतमिन हो गया खैर है बशरी कोई नहीं जिन नहीं है औलाद आदम चू बशरीयत नाल तलक रख दी अदे हूँ मेरा खौफ उतर गया जेन मेरा ठीक हो गया डर मेरा मुक गया मैं जेन ते जोर दिता है कि बीबी जी हाई ते टुरी है इतनी आयतं पढ़ दी है मफाहिम मतालब समझ दी है ते कली ते हाई ते जा नहीं सकती गैर महरम नाल ते हज होंदा ही नहीं यकीनन किसे महरम नाल टुरी फिर अरब दा माहौल कले बंदे नूं सफर दी इजाजत ही नहीं दिंदा काफले नाल टुरी ये होवे ना होवे बीबी निखड़ गई है इहदे संगती साथी रिश्तेदार नाल लाउणे ने काफला नाल निखड़ गई है कली ते नहीं जा सकती आदे मैं शक की बिना ते पंजवा सवाल किया मता इन कताअत अनिल काफिला बीबी काफिले नाल टुरे हो निखड़ गए हो कितना दिन होया जे निखड़े हो मेरे अलवे के फिर कुरान की आयत पढ़ी इन अल्लाह खलक समावात वल अर्ज़ीन फी सित्तत अय्याम अल्लाह ने जमीन आसमान 6 दिन च पैदा किए मैं सदके भाई मैं सदके ऐसे जुमलियां ते बोल दो एहसान कर दो जाकर का हौसला बंद है जी बहुत मेहरबानी सित्तत अय्याम 6 दिन वाली आयत पढ़ के दस मैं 6वां दिन निखड़ गई हूँ अदे मेरा शक बिल्कुल ठीक है ये टुरी काफिले नाल है महरमा नाल है निखड़ गई है 6वां दिन हो गया ये तो भुखी होएगी तस्सी होएगी सारे काफले का सामान तो एक उठते होंगे खुरदनोश का ये निखड़ी है तो हाथी दे खाली ने ये भुखी होएगी फिर जफर शाह जी आदे मैं फिर सवाल किया आ तस्तते ईना में न तो आम भुख लगी जे खाना खवावा आदे मैं पूछे भुखे हो तो खाना देवा जेड़ा अरबी समझदे है वह तो यकीनन मैं पहले दा दे दा नहीं तो फिर मैं जुमला तर्जमा कर देंगा आदे मैं पूछे 6वां दिन ने निखड़े काफले तू भुखे हो खाना देवा मेरे अलवे के फिर कुरान दी आयत पढ़ के दी मा खलक न जसदन ला या कलू न तो आम हमने वो जिस्म खल्क ही नहीं किए जो खाना ना खाते हो। मैं सदके मैं सदके मैं सदके मा खलक न जसदन हमने जिस्म खल्क ही नहीं किए ला या कलू न तो आम जो खाना ना खाते हो जेड़ा जिसम रखता है उन्हें भुख लगती है मैं मुझे समा मैं खाने की जरूरत है अदफा अतम तो हाँ मैं अपने हिस्से के लंगर चु बीबी खाना खवाया अदा खाना खा के बीबी तुर पई अगे मैं वेखे तो आहिस्ता टुर रही है मठी मठी खाना खा के तो हूँ तेज टुर रही अगे ना रफ्तार ज्यादा हो गई हत्ता कि मेरी नाका तो भी बीबी तेज टुरी है बिस्मिल्लाह जी मेरी नाका तू भी तेज टुरी आदे मैं नाका करीब जा ले जा गया मैं क्या बीबी आहिस्ता टुरो मक्का दूर जे गर्मी का मौसम है त्रिखे टुर बंदा थकदा जे मंजिल नूं वेख के टुरना चाहिए आहिस्ता टुरो क्यों एडे त्रिखे पर टुरदे हो आदे मैं क्या आहिस्ता टुरो फिर कुरान दी आयत पढ़ी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा अल्लाह ताकत तो ज्यादा किसी ते बोझ पाता ही नहीं
ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਔਕਾਤ ਬਸਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ।